हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू श्री बालाजी कंप्यूटर। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट पंकज। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं और अपने इंटरनेट को फास्ट कर सकते हैं कुछ एक्सटेंशन को लोड करके और कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट करके। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव को डीफ्रेगमेंट करके। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन क्या होती है। देखिए दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन होती है कि अगर हम हिंदी में बात करें तो फ्रेगमेंटेशन का अर्थ होता है बिखरा हुआ। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जब हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स जनरेट होती हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, काम होते हैं, बैकएंड प्रोसेस होते हैं जो कि हमारी सिस्टम मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारी सिस्टम मेमोरी में क्या होता है कि जो फाइल्स हैं वो अपने जगह से हट जाती हैं, वो बिखर जाती हैं, तो उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। उसकी ऑपोजिट अगर हम बात करें तो डीफ्रेगमेंटेशन क्या होती है। डीफ्रेगमेंटेशन होता है किसी भी चीज़ को एक सही तरीके से रखना। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियोज़ की थंबनेल्स हैं, जो लिंक्स हैं, वो एक तरीके से आ रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में और यहाँ पर वर्टिकल लाइन में, जैसे कि एक लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती हैं एक सही तरीके से। उसी तरह से अपनी जो कंप्यूटर की सिस्टम मेमोरी है उसको अलाइन करना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। यह जैसे कि ये हमारी विंडोज 10 है, तो अगर आप विंडोज 7 भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप स्टार्ट पर ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखिए डी फ्रैग। और जैसे ही आप डी फ्रैग लिखेंगे तो यहाँ पर, जैसे कि विंडोज 10 है तो यहाँ पर आया डी फ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, ये ऑप्शन यहाँ पर खुल गया। और अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर एक हेडिंग बनी आएगी कंट्रोल पैनल और उसके अंदर लिखा हुआ आएगा डी फ्रेगमेंट योर हार्ड ड्राइव्स। तो आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है विंडोज की जो हमारी ड्राइव है सी ड्राइव, यहाँ पर ये लिख रहा है नीड ऑप्टिमाइजेशन 26% फ्रेगमेंटेड। यानी कि हमारी जो विंडोज की ड्राइव है वो 26% जो है वो फ्रेगमेंटेड है, उसकी जो सिस्टम मेमोरी है वो 26% जो है वो अननेसेसरी ऑक्यूपाइड हुई है और हमें उसको रिलीज करना है। अगर आपके यहाँ पर ये फ्रेगमेंटेशन की जो परसेंटेज है वो नहीं दिखा रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एनालाइज पर क्लिक करेंगे। एनालाइज पर क्लिक करते ही ये अपनी वर्किंग शुरू कर देगा और आपकी सिस्टम की जो हार्ड ड्राइव है उसको एनालाइज करेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसकी कितनी स्पेस को फ्री किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया 26% फ्रेगमेंटेशन। तो अभी हम इसको डीफ्रेगमेंट करेंगे। यहाँ पर हम ऑप्टिमाइज पर क्लिक करेंगे और अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो ऑप्टिमाइज की जगह पे आपको डीफ्रेगमेंट का ऑप्शन आएगा। आप डीफ्रेगमेंट पर क्लिक करेंगे और आपका जो काम है वो शुरू हो जाएगा। इसी तरह से एक बार आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो दोबारा से एनालाइज की जाएगी और एनालाइज करने के बाद आपका जो डीफ्रेगमेंटेशन का काम है वो शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये 1% डीफ्रेगमेंटेड हुआ है और धीरे धीरे ये 100% होगा। इसमें कुछ टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, जिस तरह से आपकी जो सिस्टम मेमोरी है उसके हिसाब से, तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा। Thank you.
तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद अभी यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि हमारी जो ड्राइव है वो 0% फ्रेगमेंटेड है, यानी कि हमारी ड्राइव जो है वो बिल्कुल, उसकी जो सिस्टम मेमोरी है वो बिल्कुल फ्री हो गई है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर की सिस्टम की आप मेमोरी को क्लीन कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। यकीन कीजिए, इससे आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत बहुत मतलब अच्छा फास्ट हो जाएगा, काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस हमारी सिस्टम की मेमोरी को रिलीज़ करने का और हमारी हार्ड ड्राइव को डीफ्रेगमेंट करने का। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।